राजनीति में भगवान राम का नाम लेने से आहत हो रही भक्तों की भावनाएं। सीएम केजरीवाल के बयान पर बीजेपी का पलटवार। जी हां, आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा था कि अगर भगवान राम इस युग में होते तो केंद्र सरकार प्रवर्तन निदेशालय जैसी केंद्रीय एजेंसियों को उनके पीछे लगा देती। इसे लेकर अब बीजेपी ने कड़ा पलटवार किया है। केजरीवाल ने शनिवार को दिल्ली विधानसभा में बोलते हुए कहा, मैं सोच रहा था कि अगर भगवान राम आज इस युग में होते तो बीजेपी उनके घर ईडी और सीबीआई भेजते और बंदूकें रखते और पूछते, बेटा क्या तुम बीजेपी में आ रहे हो या क्या आप जेल में जाएंगे। आम आदमी पार्टी सुप्रीमो की टिप्पणी तब आई है जब केजरीवाल और प्रवर्तन निदेशालय के बीच रस्साकसी जारी है। दिल्ली के मुख्यमंत्री एक केंद्रीय एजेंसी के समन से लगातार बज रहे हैं। केजरीवाल ने आगे कहा, जबकि आप सरकारी संस्थानों को बढ़ाने, आवश्यक सेवाएं प्रदान करने और बुजुर्गों के लिए तीर्थ यात्रा की सुविधा प्रदान करने की पहल करती है, बीजेपी का दृष्टिकोण ईडी और सीबीआई जैसे संस्थानों के माध्यम से विपक्षी सरकारों के प्रयासों में बाधा डालने की ओर झुकता है। बजट पर चर्चा के दौरान केजरीवाल ने शराब नीति मामले में जेल में बंद पूर्व वित्त मंत्री मनीष सिसोदिया को याद किया और कहा कि उन्हें उम्मीद है कि सिसोदिया अगले साल का बजट पेश करेंगे। हम बजट पर चर्चा कर रहे हैं और आज 10वें बजट पर हम मनीष सिसोदिया को याद कर रहे हैं। इससे पहले मनीष सिसोदिया ने विधानसभा में 9 बजट पेश किए हैं और मुझे उम्मीद है कि वह अगले साल का बजट भी पेश करेंगे। इस बीच बीजेपी ने राजनीतिक कारणों से भगवान राम का नाम लेने पर केजरीवाल की आलोचना करते हुए कहा कि इससे करोड़ों भक्तों की भावनाएं आहत होती हैं। बीजेपी ने कहा कि केजरीवाल को पता होना चाहिए कि हर बार वह राजनीतिक कारणों से भगवान राम का नाम लेते हैं, जैसा कि उन्होंने ईडी के नोटिस के बारे में बात करते समय लिया था। इससे वह करोड़ों मतदाताओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाते हैं जो भगवान राम के भक्त हैं। इस खबर को देखकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। न्यूज डेस्क से प्रिया।